Welcome, my dear students, in this new topic. As we are studying unit number 4, and in this unit number 4, we are trying to study the programming of 8051. And for to study the programming of 8051, we will well known about the addressing mode. So, at first, we start addressing mode concept. And in it, already in last video, we discussed the immediate addressing mode concept. Now, in the similar way, in this video, we discuss the register addressing mode concept. Now, as the name indicates, register addressing mode, it means the address of destination is specified in the form of register. That is called as a register address. In this mode, the data source is specified in the form of register. Data source jo rehta वो रजिस्टर के फॉर्म में स्पेसिफाइड किया है करके इसको बोलते हैं हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो कैसे, तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है मूव ए कॉमा आर जीरो। मूव ए कॉमा आर जीरो, इससे क्या होगा कि मूव ए कॉमा आर जीरो की वजह से ये इंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि कंटेंट ऑफ आर जीरो सी व्हाट आई से कंटेंट ऑफ आर जीरो विल बी मूव टू द एक्यूमुलेटर। आर जीरो के कंटेंट एक्यूमुलेटर में, अगर आर जीरो में 10 H है तो ए में चला जाएगा, तो ए के कंटेंट बन जाएंगे 10 H। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शन मूव आर टू कॉमा ए, इसका मतलब कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी मूव टूवर्ड द आर टू। अगर ए में 10 होगा, फॉर एग्जाम्पल यही दोनों इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दे, और आर जीरो में अगर 10 है तो ये पहली इंस्ट्रक्शन से ये 10 कैस में चला गया ए में, और दूसरी इंस्ट्रक्शन से ए के कंटेंट आर टू में चला गया। इसका मतलब ये दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आर टू के कंटेंट क्या रहेंगे बताइए, तो आर टू के कंटेंट रहेंगे जो ए के कंटेंट, बट ए के कंटेंट कितने होंगे 10 H, सो आर टू विल बी इक्वल टू 10 H। ना अभी यहाँ पे देखिए कि जो सोर्स है उसका एड्रेस स्पेसिफाई किया गया रजिस्टर में, तो करके ये एड्रेसिंग मोड को हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड सिंपली। तो इन दिस वे दिस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड विल गेट वर्क। एक एग्जांपल के तौर में अगर देखा जाए तो रजिस्टर सच एज रिपीटर विल आल्सो यूज। तो कौन कौन रजिस्टर यूज है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है, डीपीटीआर यूज होता है, और आर जीरो टू आर सेवन जितने भी 8 रजिस्टर है ये 8 रजिस्टर यूज किए जाते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर मस्ट मैच इन साइज, दोनों की साइज मैच होनी चाहिए। साइज कैसे, अभी देखिए अगर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि मू डीपीडीआर कॉमा ए, मू डीपीडीआर कॉमा ए इंस्ट्रक्शन लिख दिया, तो अभी देखिए डीपीडीआर की साइज है 16 बिट की और एक्यूमेटर की साइज है 8 बिट की, तो दोनों की साइज प्रॉपर है क्या, एक है क्या, सेम है क्या, नहीं, तो करके ये इंस्ट्रक्शन को हम इलीगल बोलेंगे। ये इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे इलीगल इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की साइज मैच होनी चाहिए पहली बात। तो दूसरा है द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन टू स्क्रैच पैड रजिस्टर इज इलीगल। दोनों स्क्रैच पैड रजिस्टर, ये इंस्ट्रक्शन देखिए मूव आर वन कॉमा आर टू, एक ही इसके दो स्क्रैच पैड अगर यूज करते हैं तो ये इलीगल है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एंड इन दिस वे दिस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड विल गेट वर्क इन विच द रजिस्टर इज यूज टू वर्क स्पेसिफाइड द डेटा सोर्स। थैंक यू वेरी मच।